दमोह के कुम्हारी गांव में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले दर्जन भर बच्चे दूषित पानी पीने की वजह से बीमार हो गए। बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद जानकारी मिली तो थाना प्रभारी बीएस ठाकुर तुरंत पहुंचे और 108 वाहन की मदद से सभी बच्चों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कराया गया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। देखा जाए तो पानी की टंकी में मरी हुई छिपकली होने की बात भी सामने आई है। वहीं पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन अब भी कुछ भी कहने से बच रहा है। बच्चों के पानी पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। देखा जाए तो प्रशासन इन सभी सवालों के जवाब देने से बचता हुआ नजर आ रहा है। पानी में खामी थी और इसी वजह से ये बच्चे बीमार हुए। हालांकि बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, स्कूल प्रशासन इस पूरे मामले में चुप्पी साधा हुआ बैठा है। तो वहीं देखा जाए तो पानी में छिपकली होने की खबर भी सामने आई, लेकिन जांच के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा।